यही कर्नल जी, ग्वार के साथ बात करें अगर सोया कॉम्प्लेक्स की, तो हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों में रिफाइंड सोया तेल में गिरावट है, और इसके साथ साथ विदेशों में भी तेल तिलहन के बाजार में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है, और सोयाबीन के अंदर भी हम देख रहे हैं कि भारत के NCDX पर सोयाबीन में भी अब कुछ नरमी बनती नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आगे रिफाइंड सोया, सोयाबीन, सोया खली, ये सोया कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा आगे कहां तक जाता है, मंदी की ओर है या गिरावट की ओर? देखिए, सोयाबीन के अंदर खासकर सोया ऑयल के अंदर थोड़ी सी गिरावट ज्यादा दर्ज हो रही है NCDX के ऊपर, लेकिन और इसकी प्रमुख वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिकन जो स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स अच्छे बताए जा रहे हैं जी, और कुछ इंपोर्ट के अंदर भी चाइना की तरफ से खबर ये निकल के आ रही है कि चाइना ने भी सोया के इंपोर्ट के अंदर कुछ कमी की है जी। और ये महत्वपूर्ण है, और इसी वजह से कुछ थोड़ा सा कुछ समय के लिए ये सोया कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ कमजोरी की संभावनाएं बन रही हैं। अब सवाल यह है कि देखिए कि अभी थोड़ी कमजोरी है, यदि आप इसको थोड़ा सा पिछली तरफ ले जाएं, लगभग 1 से 1.5 महीने के पैसे पहले जब सोयाबीन 5,000 के आसपास चल रहा था, सोयाबीन भी बुरी तरह से पिटाई खा रहा था जी। अब जब एक तरफा तेजी कुछ सप्ताह में दर्ज हुई, एक तरफ यानी वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट हुआ, तो कुछ तो मुनाफा वसूली आएगी। ऐसा नहीं है कि आप लगातार ऊंचा ऊंचा और पूरा ऊंचा चलते जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि ट्रेड वेव्स होती हैं। यदि आप टेक्निकल की तरफ भी देखें या फंडामेंटल्स की तरफ भी देखें या बाजार का रुख भी देखें, हर तेजी एक बड़ी तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली हमेशा से होती है, और इसके अंदर कोई दोहराए और कोई परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो व्यापारी वर्ग है, जब वो बहुत तेजी हो जाता है उसके बाद माल खरीदता है, और ये देखिए, यदि लगातार हम सोयाबीन के ऊपर दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं कि जब वो मंदी के अंदर 5,000 रुपए में माल नहीं खरीदेगा और माल खरीदेगा 6,800 पर, 6,200 पे, 6,500 पे, तो उस वक्त जब जो 5 से 6,500 की जो तेजी हुई उसके ऊपर जब हाईएस्ट लेवल पे माल खरीदेगा, तो जब थोड़ा नीचे आएगा तो घबराने की बात क्या है। जितने मार्केट टाइम्स का हमारे पुराने शो देखे हों, वो नीचे के अंदर माल खरीदना है उनको और ऊंचे के अंदर माल बेचना है। अब ये जब ऊंचे के अंदर माल लिया हुआ है तो कुछ कमजोरी तो बनेगी ही बनेगी, इसमें तो कोई दोहराए और कोई शंका ही नहीं है। व्यापार का नियम है कि आप मंदी में खरीदो, तेजी में बेचो, और हो ये रहा है कि ना कुछ विशेषज्ञ मंदी में मंदी कर देते हैं और तेजी में तेजी कर देते हैं, और दोनों जगह ट्रैप हो जाते हैं। तो जब बाजार के अंदर एक तरफा तेजी आई, उसका पूरा फायदा नहीं हुआ, ऊपर में आप माल खरीदेंगे तो कुछ नीचे की तरफ जब बाजार आएगा तो फिर परेशानी कहां है। बाजार एक तरफा थोड़ी चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, और ना कभी चलेगा, ना आज चला है ना कल चला था ना आगे चलेगा। एक बड़ी तेजी के बाद में एक मुनाफा वसूली हमेशा से आती है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे एग्रो कमोडिटीज हो, सोना चांदी हो, उसके अंदर कोई दोराय नहीं है। चतुर व्यापारी, चतुर व्यवसायी मंदी का इंतजार करता है, मंदी में माल खरीदता है और उसको माल रोकता है, और जो स्पेकुलेटर्स हैं जो घंटे दो घंटे की ट्रेडिंग करते हैं, वो मंदी करते हैं, मंदी के अंदर अपना छोटा पैसा लेते हैं, निकल जाते हैं, तेजी करते हैं, छोटा पैसा निकल जाते हैं, तो उनको बड़ी परेशानी नहीं है। परेशानी उन कारोबारियों को है कि जिन्होंने 5,000 के अंदर सोया नहीं खरीदा, अब 6,600-6,800 रुपए खरीदा, अब वो थोड़ी सा नीचे आया है, अब इनको परेशानी है। तो ऐसे कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप ये एक बुनियादी चीज है, इसको आपको समझना पड़ेगा यदि आप ट्रेड करते हो और समझते हो। और जो चतुर व्यापारी है वो उस चीज को अच्छी तरह से समझता है, वो कभी भी नहीं फंसेगा। फंसते वो लोग हैं जो रिपोर्टों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, फंडामेंटल की तरफ ध्यान दे नहीं रहे हैं, और वो ट्रैप हो जाते हैं। और वो और आज स्थिति यह है कि सोया का काम करने वाला वो व्यापारी या मिलर्स बड़े परेशानियों में है, जिन्होंने नीचे में माल नहीं खरीदा, ऊपर में माल खरीद रहे हैं तो उनके दिमाग में आता है आप खरीदते नीचे आएगा, अब ये नहीं खरीदते हैं तो ये और ऊंचा चला जाएगा। तो ये परेशानियां रहेगी यदि कोई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं समझेगा, ये निश्चित है जी। अखिलेश जी, जी तो यानी कि निचले स्तर पर खरीदारी करके अगर आप ऊपरी स्तर पर अपना माल बेच रहे हैं या प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो वही समझदारी है, और बाज़ार इसी तरह से चलता भी है। लेकिन अगर मंदी में मंदी कर रहे हैं, तेजी में तेजी कर रहे हैं, तो वहाँ पर चोट ज़रूर खा सकते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आर्थिक चोट लगती नज़र आ सकती है।